अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने बायोलॉजी और उसके मेजर डिवीजंस के बारे में पढ़ा था कि हमने बायोलॉजी को तीन मेजर डिवीजंस में डिवाइड किया था, जिसमें बॉटनी था, उसके बाद जूलॉजी, देन माइक्रो बायोलॉजी। ये तीन मेजर डिवीजंस में हमने बायोलॉजी को डिवाइड किया था। अब ये बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंदर भी इंफॉर्मेशंस का ज़खीरा है, तो इनको डिस्क्राइब करने के लिए, इनके अंदर स्पीशीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए और भी ब्रांचेस बना दी गई। वो ब्रांचेस कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, मॉर्फ एंड लॉगोस। दैट मीन स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है, दैट इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, एना मीन अप एंड लॉगॉस, एंड टॉमी मीन कट। एना अप, टॉमी मीन कट, यानी आफ्टर डिसेक्शन जब हम डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं तो हम इसको एनाटॉमी का नाम देते हैं। तो हम कहते हैं द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज नोन एज एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज नोन एज एनाटॉमी। देन हिस्टोलॉजी, वट इज हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी इट इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, हिस्टो और लॉगोस। हिस्टो मीन टिश्यूज और लॉगोस मीन थॉट और डिस्कशन। तो हम हिस्टोलॉजी को डिफाइन कैसे करते हैं? हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, दैट इज नोन एज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के बाद नेक्स्ट जो ब्रांच आती है, दैट इज फिजियोलॉजी। इसी तरीके से जो फिजियोलॉजी है, दैट इज़ ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। ये फिजियोलॉजी फिजिक्स से निकला है, और फिजिक्स निकला है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से, दैट मीन्स नेचर। फ्यूसिस और लॉगोस, फ्यूसिस मीन नेचर। तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज नोन एज फिजियोलॉजी, यानी इनकी वर्किंग कैसे होती, इसको हम फिजियोलॉजी में वर्किंग को स्टडी करते हैं। देन सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होती है? जैसा कि यहाँ से पता चल रहा है कि सेल की स्टडी को, तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड
फंक्शंस ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती हैं उनकी स्टडी को और सेल के क्या फंक्शंस होते हैं इसकी स्टडी को हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम एक और डिस्कस करते हैं जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन इज़ आल्सो स्टडीड इन सेल बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, कुछ ब्रांचेस हमने आज डिस्कस की बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए, विच आर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद एनाटॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, दैट इज नोन एज एनाटॉमी। एनाटॉमी के बाद हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। देन फिजियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज नोन एज फिजियोलॉजी। एंड देन लास्ट वन इज सेल बायोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। और सेल डिवीजन इज आल्सो स्टडीड इन सेल बायोलॉजी।